देह में जब आत्मबुद्धि हो जाती है तो इस तरह से दिखाई देता है कि मैं देह हूँ, मैं मेरे लिए विषय है भोग्य के और ये इस तरह से मैं भोग कर रहा हूँ। यह अभी एक सपना की तरह है, वास्तव में सपना की तरह इसलिए है कि वास्तव में इसकी सत्ता नहीं है और क्षणभंगुर है। सपना जैसे क्षणभंगुर है, दो चार मिनट के लिए, दो चार घंटे के लिए होता है, चला जाता है, उसी तरह से यह जो जीवन है, शरीर है, वास्तव में सपने की तरह है। सपना के द्वारा बहुत ज्ञान दिया गया है वैदिक ग्रंथों में, दृष्टांत दे रहे। यथा सयानम सयान आत्मानम विषयम फलमेव च अनुभुक्ते, वो अपने को अनुभुक्ते का अनुभव करता है, विषयों का अनुभव करता है और फल का, भोग का। असत्य अपि अर्थ है, जबकि अर्थ है, वास्तविकता वहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभाव तो होता ही है। सपना में कोई वस्तु नहीं है लेकिन प्रभाव होता है, झूठा है। जैसे मान लीजिए सपने में कोई व्यक्ति देख रहा है कि सांप निकल गया हमारे घर में भयानक और हमको डंस भी दिया है, मान लीजिए सपना में देख रहा है, तो डंसने पर वो सपना में दुख उसे होगा, दुख का अनुभव करता है, सांप को भी देखता है, डसना क्रिया भी देखता है, अपने को भी देखता है कि छटपटा रहा, उसको नहीं रोका जा सकता है। कब रोका जाएगा? जब वो जग जाएगा। लेकिन कुछ लोग इतना प्रभावित हो जाते हैं सपना से कि जगने के बाद भी घर में टॉर्च जलाकर देखते हैं कि सांप आ गया है, क्या आ गया, ऐसे कभी कभी सुना गया है। अरे डंडा लाओ, सांप निकला है, ये निकला है, कुछ भी नहीं, वो सपना में देखे थे, लेकिन इतना प्रभाव पड़ता है कि जागृत में भी वही जो होते रहते देखते हैं। झूठा इस तरह का व्यवहार जहाँ कोई नहीं है उसका भी प्रभाव देखा जाता है। तो इसी तरह से इस अज्ञान निद्रा में मैं यह देह हूँ और ये मेरे संबंधी है, ये मेरे लिए प्रिय वस्तु है, ये अप्रिय है, और इस तरह मैं भोगता हूँ, भोग रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये सब क्यों नहीं संभव हो सकता है? तो रोज ही हम लोग देखते हैं सपना। यदि मान लीजिए कोई आदमी 3 घंटा रोज देखता हो, 3 घंटा रोज सपना देखे और वो कदाचित मान लीजिए 90 वर्ष जिए, तो 3 घंटा दिन भर में, 24 घंटे में 3 घंटा, तो कितना वर्ष हो गए? 12 साल। तो 12 साल तो ऐसे ही झूठी जिंदगी में रहा, बिना मतलब के देखता रहा, कंटिन्यूअस सारे स्वप्न के घंटों को एक जगह कर दिया जाए, सारा ड्रीमिंग आवर्स एक जगह कंबाइन किया जाए, तो 12 साल अखंड झूठा सोचता रहा। ऐसे 12 साल सोचा तो ऐसे 90 साल सोच रहा है, झूठा ऐसे ही सोच रहा है। वास्तव में यहाँ भी कोई संबंध है, न वस्तु है न देह है, आत्मा ये देह तो है नहीं, वो तो दूसरा है, लेकिन अपने को मान रहा है कि मैं ये हूँ। तो इस स्वप्न के दृष्टांत के द्वारा श्री बलराम जी रुक्मिणी जी को समझा रहे हैं। अब तो बहुत विस्तार करने के बाद आगे भी कथन नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब उपसंहार करते हैं। तस्माद् अज्ञानजं शोकम् आत्मशोष विमोहनम् तत्त्वज्ञानेन निर्हृत्य स्वस्था भव शुचिस्मिते। अतः तस्माद्, इसलिए अज्ञानजं शोकम् अपहृत्य निर्हृत्य, ये जो अज्ञान के कारण तुमको शोक हो रहा है भाई को क्रूर करने का, इसको तुम निर्हित छोड़ो। शोक तो दूर की बात है, इस तरह सोचना भाई कोई है ही नहीं, संबंधी कोई है ही नहीं, ये सपना का सब है खेल। सपना में तुम ये देख रही हो इस तरह से, तुम्हारा भाई है और उसको क्रूर कर दिया गया है, ये हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तुम अपने स्वरूप को देखो। ये अज्ञानजन शोकम है, अज्ञान से उत्पन्न हुआ शोक है, और यह शोक कैसा है? आत्मशोष विमोहनम, ये आत्मा को सुखा देता है।
न सो शरत मार उतर, आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ आत्मशोष का अर्थ है कि आत्मा की सरसता को, आनंदमयता को खत्म कर देता है, आत्मा दुखी अपने को अनुभव करने लगता है। यही है आत्मा का सुख जाना। स्वरूप से आत्मा सुखेगा नहीं कभी, लेकिन मन में जो अभाव की कल्पना कर लेता है, दुख अनुभव करता है, इसको आत्मशोष कहते हैं। जो आनंद है वही रस है, लेकिन जब आनंद का अनुभव नहीं होता है तो माना जाता है वो सुख गया। तो यह जो अज्ञान है, ये शोक जो है, यह आत्मा को सुखा देता है। और विमोह यति, विमोह नाम, ये आत्मा को अज्ञान में डाल देता है, दुख में और अज्ञान में। ये अर्थ है आत्मशोष विमोहन। जीव अपने को भिन्न भिन्न समझने लगता है, तो जीव को और अज्ञानी बना देता है यह शोक, और उसकी आनंदमयता को समाप्त करता है। इसलिए इसको निर्हृत्य, इसको अपा करके, इसको छोड़ करके, तत्व ज्ञान के द्वारा, वास्तविकता के ज्ञान द्वारा इसको छोड़ करके, और हे पवित्र मुस्कान वाली, हे सुंदरी, तुम स्वस्थ हो जाओ, अपने स्वरूप में हो जाओ, स्वस्थ भव। यहाँ स्वस्थ का अर्थ है कि तुम कृष्ण की नित्य प्रिया हो, तुम्हें जो भी सोचना हो, करना हो, कृष्ण के बारे में केवल सोचो, दुनिया में क्या हो रहा है इसको भूल जाओ, स्वस्थ हो जाओ, स्व में स्थित हो जाओ। कृष्ण की सेवा करो, तुम्हारा तो सबसे बड़ा सौभाग्य है इस जगत में, तुम्हारे जैसे सौभाग्यवती नारी तो कोई है ही नहीं, और तुम ऐसे अवसर पर रो, ये ठीक नहीं है, तुम स्वस्थ हो जाओ। तब श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एवं भगवता तन्वी रामेण प्रतिबोधिता वैमनस्यं परित्यज्य मनोबुद्ध्या समादधे। इस प्रकार भगवता रामेण, भगवान राम के द्वारा जब वह तन्वी सुंदरी रुक्मिणी प्रतिबोधिता, जब प्रतिबोधित हुई, ज्ञान दिया गया, तो उसके मन का खेद चला गया, वो प्रसन्न हो गई। वैमनस्यं परित्यज्य, देखिए यहाँ पर 6-7 श्लोक बोलने से ही रुक्मिणी जी का शोक समाप्त हो गया। कितने प्रवीण हैं भगवान बलराम जी ज्ञान देने में, इतना बड़ा शोक तुरंत समाप्त हो गया। 6-7 श्लोक बोलने में उनको कितने 2-3 मिनट लगा होगा, 2 मिनट लगा होगा, इतने में ज्ञान हो गया। वैमनस्यं परित्यज्य, उसके मन की जो विमनस्कता थी वो चली गई, मन जो उदास था, खिन्न था, खत्म हो गया। और बुद्धि द्वारा अपने मन को समाधि दे, उसने समाहित कर दिया, ठीक कर लिया, वो प्रसन्न हो गई। अब आगे श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्री बलराम जी जो प्रवचन कर रहे थे उसको रुक्मिणी भी सुन रहा था, कृष्ण भी सुन रहे थे, रुक्मिणी जी सुन रही थी। तो रुक्मिणी जी का ज्ञान चला गया, लेकिन रुक्मिणी का ज्ञान नहीं गया, जबकि सुना था वो भी पूरा। देखिए यहीं पर कितना अंतर हो गया। आज एक व्यक्ति हमसे प्रश्न कर रहा था कि रुक्मिणी जब इतना खल हो गया तो रुक्मिणी जी का भाई क्यों हो गया था। और पता नहीं भगवान क्या क्या संजोग करते हैं, किसको कैसे कैसे करते हैं। प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र हो गए, वो तो भगवान जानते हैं कि इसको कैसे जोड़ी बैठाना है, इसका क्या क्या कोई मीमांसा करे, लेकिन अंतर कितना है ये साफ समझ में आता है। प्राणावशेष उत्सृष्ट दृढ़ हत बल प्रभ स्मरण विरूप कर्णम वित्थात्मा मनोरथ। रुक्मिणी भी सुना लेकिन उसको कोई ज्ञान नहीं हुआ, और उसका कुछ भी नहीं बचा था, रथ खत्म हो गया, घोड़े मर गए, अस्त्र शस्त्र सब चले गए थे, केवल प्राण बचा था। प्राणावशेष, प्राण अवशेष था, प्राण मतलब शरीर, शरीर भर बचा था, कुछ भी बाकी नहीं था। और दृढ़ भी शत्रुओं के द्वारा, देशियों के द्वारा उसके हत बल प्रभ, उसकी प्रभा और उसकी सेना सब समाप्त हो गई थी, लेकिन यह ज्ञान का भाषण सुनने के बाद भी वो क्या सोच रहा था। स्मरण विरूप करण,
वो केवल यह सोच रहा था कि हाय रे हमको ऐसा विरूप कर दिया, हमको ऐसा विरूप कर दिया। बलराम जी इतना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं कि आत्मा शरीर है ही नहीं, तो शरीर विरूप हो चाहे कुछ भी हो, इतना क्या सोचने की जरूरत है। लेकिन वह उसी चिंता में रहा। रुक्मिणी जी का तो शोक दूर हो गया, वो ज्ञान में हो गई, और इसका शोक और बढ़ गया। ये विरूप करणम स्मरण, यही स्मरण कर रहा है कृष्ण कैसे कैसे मेरी दाढ़ी मुझ काटा, बाप रे बाप मैं कैसे नगर में मुख दिखा पाऊंगा, ये हो गया हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए आगे, इसी अज्ञान में रह गया। सहोदर भाई है रुक्मिणी जी का, लेकिन ज्ञान नहीं है। कभी कभी देखा जाता है कि घर में पत्नी भजन करती है लेकिन पति अभी कुछ और जगह दिमाग रखते हैं, है ना? पुरुषों में कम ज्ञान देखा जा रहा है। अगर पुरुष भी संडे को आते हैं मंदिर में, सब करते हैं, लेकिन प्रायः हमने देखा है कि मति नहीं होती। कहीं कहीं ऐसा होता है कि पति भगवान का भजन कर रहा है, पत्नी नहीं कर रही, एकादश है। जनरल यही है कि पत्नी भजन करती है और पति अभी रुक्मी के पथ पर है। रुक्मी तो नहीं है लेकिन मतलब ज्ञान का उतना असर नहीं हो पाता है। प्रवचन साक्षात भगवान कर रहे हैं और भाई बहन ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन बहन को ज्ञान हो गया, भाई बस उसी शोक में रह गया कि हमको विरोध किया गया, हमको ये किया गया। देखिए इस तरह का अंतर हो गया। वितथात्व मनोरथ, उसके जितने मनोरथ से सब वितथ हो गए, तथा नहीं हुए जथा मनोरथ किया था, तो वितथ कर विपरीत तथ्य हो गया, उसमें कुछ नहीं रहा। सारे मनोरथ उसके विफल हो गए थे, सब हो गए थे, फिर भी अपने विरूप करण को ही सोच रहा था। तो चक्रे भोज कटम नाम विवासाय महत्पुरम अहत्वा दुर्मतिम कृष्णम अप्रतु ये जवीयसीम कुंडिनम न प्रवेक्षामी तत्वावसदृश। तो विरूप करण का स्मरण कर रहा था, इसीलिए उसने उसी स्थान पर जहां पर उसका केस काटा गया था, उसी स्थान पर एक महान नगर का निर्माण कराया। ऐसा नहीं करना चाहिए था, जहां उसको विरोध किया गया वहां क्या बसना है। लेकिन भोजकट नाम दिया हो, कितनी चेतना उसकी खराब थी। भोजकट का अर्थ है, कट का अर्थ होता है शपथ संस्कृत में, और भोज उस राज्य का नाम था। तो भोज राज्य का उसने शपथ किया था कि मैं यदि कृष्ण को नहीं मार सका और अपनी बहन को नहीं लौटा सका तो मैं फिर अपने मूल राजधानी में प्रवेश नहीं करूंगा। तो भोज राज्य की शपथ लिया था, इसीलिए उसने स्वयं ही नाम दिया उस स्थान पर, उस नगर का भोजकट, भोजकट नाम दिया। अथवा कुछ लोग कहते हैं कि भोज का राजा रुक्मी का केश वहां काटा गया था, उस कटिंग के कारण भोजकट नाम रखा। वही चेतना, अरे कोई भगवान के भजन वाले स्थान में बसना चाहिए था, लेकिन जहां उसको विरोध किया गया था उसी स्थान पर वो बसा, और हमेशा कृष्ण के प्रति द्वेष भाव से भरा रहा कि हमारा ये हुआ था वो हुआ था। अच्छा हुआ होता कि वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया होता कि कैसे सेविंग किया जा रहा है, और उसी को टांग देता अपने आवास स्थान में कि कृष्ण कैसे मार रहे हैं, कैसे काट रहे हैं। भोजकट नाम का नगर बस। कुंडलम न प्रयोग स्वामी तत्र आवसत रुषा, इस पर श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि तत्र आवसत, तत्र कहते वही, वो जो उसका मुंडन देश था वही उस नगर का देश हुआ, वहीं पर नगर बसा है, मतलब वही सेंट्रल प्लेस हुआ होगा भोजकट नगर का, उस सिटी का बिल्कुल सेंटर। तो क्या याद करता होगा, सब लोग जानते होंगे कि इसी के कारण नगर बसा है और इसी चेतना में, उसको कोई ज्ञान नहीं हुआ, वहीं पर क्रोध में बस रहने लगा।
तत्रावसद रूसा, यहाँ रूसा शब्द दिया है, क्रोध में रह रहा था। वो ये सोच रहा था कि कभी कृष्ण के प्रति हमारा मनोभाव बदल न जाए, इसलिए जिस स्थान पर कृष्ण ने केश काटा था वहां वो रोज रोज दर्शन करता था, तो उसका क्रोध कृष्ण के प्रति बढ़ता था। यही उसकी कृष्ण भावना थी। रोज दर्शन करके कृष्ण से बदला लेने का संकल्प करता था, वही नगर में बस गए। अब यहाँ तक तो राजाओं के पराजय की बात थी, अब रुक्मिणी जी के विवाह की बात सुनिए। भगवान भीष्मक सुतान एवं निर्जित्य भूमिपान पुरम आनीय विधिवत उपये में कुरुद्वह। अब यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधन कर रहे हैं। अब तक मार काट में संबोधन की कोई जरूरत नहीं थी, तो कहते हे कुरकुल तिलक, हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, सर्वशक्तिमान भगवान इस प्रकार भूमिपान, राजाओं को मार करके परास्त करके महाराज भीष्मक की पुत्री को पूरम आनीय द्वारका लाए और वहां ला करके विधिवत उपये में विधिवत विवाह किए। विधिवत शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, विधिवत जैसी विधि है वैसा शास्त्र में और लोक में भी विवाह की जो विधि है उस विधि से भगवान ने विवाह किया, विधि से विवाह किया। और कार्यों में तो कुछ अविधि चल सकती है, लेकिन विवाह में विधि जरूर होना चाहिए, विधि। यह बहुत पवित्र संबंध है, शास्त्र द्वारा अनुमोदित है, भगवान द्वारा, ऋषियों द्वारा, बहुत पवित्र संबंध है, इसलिए इसमें विधि का पालन होता है। तो भगवान ने विधिवत पाणि ग्रहण किया रुक्मिणी के साथ। जिस समय विवाह का दिन था, कई दिन तक चला, तो उस समय जदुपुरी में द्वारका में महान उत्सव हुआ। और एक विशेषता है द्वारकापुर के लोगों की कि तदा महोत्सव निर्णाम जदुपुर जन गृह गृह अभूत अनन्य भावानाम कृष्ण जदुपतव निर्भ। द्वारका में प्रत्येक व्यक्ति का कृष्ण में अनन्य भाव था। अनन्य भाव का अर्थ है कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं प्रेम नहीं था, कृष्ण में ही प्रेम था। कृष्ण को ही प्रत्येक व्यक्ति अपना पुत्र मानता था, अपना बंधु मानता था, जो कुछ भी था कृष्ण को मानता था। अपने घर में और भी लड़के थे, लेकिन उनको भी अपना बेटा नहीं मानते थे, सभी कृष्ण को ही मानते थे। अतः रुक्मिणी के विवाह का महोत्सव गृह गृह घर घर में हुआ, सबके घर में उत्सव हुआ। यह स्पष्ट कह रहे हैं, तदा महोत्सव निर्णाम जदुपुर जाम गृह गृह, घर घर में महोत्सव हुआ। घर घर में मंडप सजाया गया था और प्रत्येक घर में विवाह हुआ भगवान का रुक्मिणी जी के साथ। भगवान ने लीला प्रकट किया, जितने घर थे उतने रुक्मिणी और कृष्ण और ब्राह्मण नाई जो थे सब हो गए, सभी घरों में विवाह हुआ और प्रत्येक घर में सभी द्वारका के लोग थे। दूसरे के घर में हो रहा तो वहां भी सब द्वारका के लोग थे। इस तरह से गृह गृह महोत्सव हुआ। यह भगवान की स्वाभाविक दिव्य शक्ति है, वे अपने को इस तरह प्रकट किए। अगर कोई इस पर आश्चर्य करे तो आगे पढ़ेगा तो उसका आश्चर्य खत्म हो जाएगा। जिस समय वे 16,100 कन्याओं को लाए भौमासुर का वध करके, तो उनके साथ विवाह भगवान ने एक ही मुहूर्त में किया और सबके साथ एक एक होकर। और ऐसा भी लिखा गया है कि उतने वसुदेव देवकी भी हो गए थे, 16,100 वसुदेव जी, 16,100 देवकी जी, और भगवान के जो भाई थे वे भी सब हो गए थे। और विवाह के समय में जो आवश्यक होते हैं, जैसे तांबूल पान लगाने वाले या कपड़ा साफ करने वाले, सब जो भी था ये सब हो गए थे। किसी को ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि मतलब हमारे घर विवाह नहीं हुआ है, हमारा बेटा है कृष्ण और हमारी पुत्र वधु है रुक्मिणी, यही भाव था। कृष्ण अनन्य भावाना, अनन्य भावाना का अर्थ है न अन्य भावाना, सबका भाव वसुदेव जी के समान था।
देवकी जी के समान था, इतना स्नेह था, तो सभी अपने घर में उत्सव किए। तो जदुपुरी में गृहे गृहे घर घर में आनंद उत्सव हुआ महोत्सव। तो ये इस महोत्सव का अर्थ है विवाह, पाणी ग्रहण संस्कार सबके घर में हुआ। इस तरह का प्रेम होता है भगवान के परिकरों का भगवान के साथ। बहुत बड़ा महोत्सव हुआ, तदा महोत्सव नृणाम जदुपुरजन गृहे गृहे घर घर में हुआ। जो भी महोत्सव हुआ घर घर में हुआ, यह कहने का मतलब है। विवाह के बाद भी जो क्रिया होती है वो भी हुई, उसके पहले हुई, बहुत सुंदर उत्सव हुआ। तो नरा नार्यश्च मुदिता प्रमृष्ट मणिकुंडला, उस विवाह उत्सव के समय नरा नार्यश्च, नर और नारीगण, पुरुष और स्त्रीगण बहुत सुंदर आभूषण पहने थे। आभूषण में यहाँ पर एक आभूषण का वर्णन किया जा रहा है, तो उसके द्वारा अन्य सारे अनुक्त आभूषणों को समझ लेना चाहिए। जैसा मैं उस दिन कहा था कि इसको उपलक्षण कहते हैं, संस्कृत भाषा की विशेषता है, एक वाक्य एक बात कहने से उसके सिमिलर सभी बातें समझ ली जाती है। तो सभी कुंडल पहने थे मणि के, मणि का यह अर्थ है सोना या हीरा, कि कुंडल पहने हुए थे और कुंडल बहुत चमक रहे थे। तो इसका अर्थ ही नहीं है कि और गहने नहीं पहने थे, केवल कुंडल का वर्णन करके उनके शरीर में समस्त आभूषणों का वर्णन कर दिया गया और वस्त्र का भी। बहुत सुंदर वस्त्र पहने थे, बहुत सुंदर आभूषण लगाए थे सब, बहुत आनंद में थे, मुदिता परम आनंद में थे, परम सुख में थे। पारी बरहू पाजर हो बरयोस चित्रवास सोह, और वे बरयो बरयो का अर्थ बर वधु के लिए, कृष्ण के लिए और रुक्मिणी के लिए बहुत पारी बर हला रहे थे, दे उपहार ला रहे थे देने के लिए, सब कपड़ा ला रहे थे, गहना ला रहे थे, सब सभी घरों में उत्सव था ही। अच्छा, सबके घर में उत्सव था, फिर भी सब दूसरे के घर में भी गए थे, यह भी एक विचित्र बात। उपहार सब ला रहे हैं, तो पारी बरहम उपाय जरूर, ये भागवती सृष्टि है, भगवान के संकल्प मात्र से द्वारका का निर्माण हुआ है, तो इसलिए वहां पर वस्तुओं की कमी की कोई कल्पना नहीं करनी चाहिए, भरा पड़ा है सब कुछ। तो सब लोग पारी बरह ला रहे थे वर वधू के लिए। यह नियम है कि विवाह के अवसर पर कन्या के लिए और वर के लिए लाना चाहिए, देना चाहिए, ये स्वाभाविक बात है। तो पारी बर हम उपाज रू बरेश चित्रवास सो, उस समय वर और वधू विचित्र वस्त्र पहने थे। श्री सुखदेव गोस्वामी ध्यान से देख रहे हैं दुल्हा के वेश में भगवान कृष्ण को और रुक्मिणी जी को, तो रुक्मिणी जी की साड़ी को भी ध्यान से देख रहे हैं और भगवान के भी। तो चित्रवासो, चित्रवासो का अर्थ होता है अद्भुत, सबसे विलक्षण वस्त्र भगवान जो पहने थे दुल्हा के वेश में रुक्मिणी जी, बहुत सुंदर वस्त्र। अथवा चित्रवास्य का अर्थ है कि इस पृथ्वी पर इस प्राकृत जगत में वैसा वस्त्र नहीं मिलता है, वो तो सब वैकुंठ से आया होगा वस्त्र होगा, भगवान के धाम का वस्त्र चित्रवास। अब यह नर नारियों का वर्णन करके, वर वधु का वर्णन करके, अब संपूर्ण द्वारकापुरी के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। सा वृष्णिपुर्युतभितेन्द्र केतुभिर्विचित्र माल्यांबर रत्न तोरणैः बभौ प्रतिद्वारुपकृत बभौ प्रतिद्वारुपकृत मंगलैरापूर्ण कुंभ गुरुधूप दीपकैः। सा बभौ, ऊपर से इसका लेना चाहिए, सा जदुपुरी बभव, वह जदुपुरी द्वारका बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। सुखदेव गोस्वामी के कहने का अर्थ है कि ऐसी अमरावती विभावरी या अलकापुरी कभी भी सुंदर नहीं लगी, अद्भुत सुंदर लग रही थी द्वारका उस समय
जब विवाहोत्सव चल रहा था, सात वृष्णीपुरी, हाँ यहाँ स्पष्ट लिखा सात वृष्णीपुरी, वह जदुपुरी द्वारका वैभव बहुत सुंदर लग रही थी। कैसे? उत्तभितेंद्र केतु भी, इंद्र केतु जहां तहां लगे थे। इंद्र केतु एक ध्वज विशेष होता है, झंडा विशेष, उसको इंद्र केतु कहते हैं। और वह झंडा बहुत चौड़ा और बहुत लंबा खंभे पर गाड़ा गया था जगह जगह, उसको उत्तभित कहते हैं। ऊंचे स्तंभ में वो झंडे सब लगाए गए थे, जमीन पर से ही नहीं, झंडा टांगने के लिए ही ये सब स्थान बनाए गए थे। और उसको, उस विशेष झंडा को, ध्वज को इंद्र केतु कहते हैं। वह सौभाग्य का, विजय का, सुख का प्रतीक होता है। तो द्वारका में सर्वत्र झंडे लगाए गए थे, वे लहरा रहे थे। पहली शोभा वर्णन करें, विचित्र माल्यम बर रत्न तोरण, विचित्र माल्य और अद्भुत फूल से सजाई गई थी द्वारका सब जगह। माला जिससे बनता है उसको माल्य कहते हैं, माल्य का अर्थ पुष्प, जिसे माला बनाई जाती है। माल्य, अंबर, रत्न तोरण, विविध वस्त्र जहां तहां लगाए गए थे, और रत्न के तोरण, अनेक रत्नों से सजाई गई थी नगरी। प्रति द्वारी उपकृत मंगले, प्रत्येक द्वार पर मंगल चिन्ह बनाए गए थे। जैसे घरों, घर के बाहर बनाते हैं बहुत से चित्रकारी, या जव अंकुश आदि छिड़कते हैं, फूल को बिखेरते हैं, कुछ लिखते हैं स्वागतम या वेलकम लिखते हैं, विवाह के अवसर पर तो जरूर लिखते हैं। और हमने देखा है गांव में, यह तो स्पष्ट हाथी घूम रहे हैं, लेकिन गांव में अगर हाथी नहीं भी आया है तो द्वार पर हाथी बना देते हैं मंगल के लिए। ये केला ला करके गाड़ते हैं, सजाते हैं। तो द्वारका का तो कहना ही नहीं, वहां पर किस तरह से मंगल द्रव्य सजाए गए हैं प्रत्येक द्वारी, प्रति द्वारी, प्रत्येक द्वार पर, क्योंकि प्रत्येक घर में विवाह हो रहा है। तो प्रति द्वारी उपकृत मंगल है, अपूर्ण कुंभा गुरु धूप दीप कई, और क्या क्या सामान रखे गए हैं, जल से भरे हुए घड़े रखे गए हैं द्वार के बाहर, और अगुरु जलाए गए हैं, धूप और दीपक से सजाए गए हैं सारे घर। इस तरह से द्वारका पूरी बहुत सुंदर लग रही थी। सिक्त मार्गा मद अचित भी राहुत पृष्ठ भूभुजान, और पृष्ठ भूभुजान जो भगवान श्री कृष्ण के या यजवंशियों के प्रिय राजा लोग थे इस पृथ्वी पर, उनको विधिवत निमंत्रण भेजा गया था। ऐसा नहीं कि आए भगवान बस दूसरे दिन ही विवाह हो गया, बहुत बड़ी तैयारी करके हुई। साधारण आदमी भी कितना अच्छा निमंत्रण छापता है अपने पुत्र या पुत्री के विवाह में, वो तो भगवान का विवाह है तो कितना अच्छा निमंत्रण छापा गया होगा। और उस निमंत्रण को तो साक्षात नारद जी बांट रहे होंगे ले जाकर। तो उसमें सारे राजा आए थे, वे जो कृष्ण के प्रिय हैं, कृष्ण के जो प्रिय हैं या कृष्ण को जो अपने प्रिय मानते हैं, वे राजा लोग आए थे। भूभुजा पृथ्वी को भोगने वाले हैं राजा, तो राजा आए थे इसका अर्थ है कि बहुत लोग आए थे। राजा जहां चलता है तो उसके वरिष्ठ नागरिक चलते हैं, सचिव चलते हैं, सेवक चलते हैं, रानियां आती हैं, तो सभी लोग आए थे जहां तहां, उनके नाम आगे आ रहे हैं कौन कौन आए थे। तो उन राजाओं की हाथियां जो चल रही थी नगर में, हाथियों पर लोग चढ़े थे, तो हाथियों के चलने से, हाथियों के गाल से मद चू रहा था, उससे पूरा सिक्त हो गई थी द्वारका नगरी, सब जगह सुगंध फैली। हाथी के मद में बहुत सुगंध होता, भौंरे साथ साथ चलते हैं, कभी कभी हाथी के कान का झटका खा करके भी भौंरे नहीं छोड़ते हैं, इतनी सुगंध होती है। तो उस सुगंधित जल से द्वारका पूरी सिक्त मार्ग सब सिक्त थे।
और इससे यह सिद्ध होता है कि यह विवाह गर्मी में हो रहा है, इसलिए सिक्त कहकर सुखदेव गोस्वामी उसकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। नहीं जनवरी फरवरी में सिक्त हो जाए तब तो और ठंडा तो गर्मी के दिन में विवाह हो रहा है, प्रायः होता भी है विवाह गर्मी में। सिक्त मार्ग जितने भी मार्ग थे, खास करके बड़े बड़े मार्ग, वे उससे सिक्त हुए थे और बाकी तो चंदन जल से सिक्त किए गए थे। हाथियों के मद से सिक्त मार्ग, गजर द्वासु परामृष्ट और रंभा पूगोप शोभिता, और द्वार द्वार पर केले लगाए गए थे, केले के खंभे रोपे गए थे, और पूग सुपारी फल से युक्त पौधे उसके सजाए गए थे। हाथी जब चलते थे तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि हाथी को ही दे दिया जाता था केला, वो सिंह में ऐसे केला को टांग करके चल रहा है। यह परामृष्ट का श्रीधर स्वामी जी ये कर रहे हैं, या पूग फल सुपारी का पौधा सूर में लपेट करके दिखा रहा है, अथवा जगह जगह द्वार द्वार पर जो सजाए गए थे उनको हाथी अपने सूंड से ऐसे छूते थे। जहां तक परामृष्ट, यहाँ कह रहे परामृष्ट रंभा पूगो पुशोभिता, हाथी उनको छू रहे थे या टांगे हुए थे, रंभा केला के खंभे और पूग सुपारी के पौधे, फल युक्त सुपारी के पौधे, बहुत मंगलमय माना जाता है। इस तरह से बहुत सुंदर लग रही थी द्वारका। कौन कौन राजा लोग आए थे देश के अनुसार नाम बता रहे हैं। कुरु सिंजय कैकेय विदर्भ जदुकुंतय मिथो मुमुदिरे तस्मिन संभ्रमात परिधावतां। एक तो ये कह रहे हैं कि द्वारका पूरी खूब सजाई गई थी और विवाह में इस वस्तु की जरूरत है, ये लाना है, उधर ये खिलाना है, उनको ये देना, उनको ये देना, तो परिधावता सब इधर उधर दौड़ रहे थे। कोई सवारी से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है। जहाँ उत्सव होता है तो वहाँ पर वेग बढ़ जाता है, आदमी जाता है ये करना वो करना वो करना, और जहाँ निरुत्सव होता है, उत्सव नहीं होता है, तो वहाँ आदमी आलसी रहता है, पड़े रहता है। द्वारकापुरी में आनंद छाया है इसलिए परिधावता, सब लोग दौड़ रहे आनंद के कारण। तो कुछ लोग तो इसलिए दौड़े कि वहाँ क्या उत्सव हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, वो देखना है, कृष्ण के लिए ये लाना है, रुक्मिणी जी के लिए लाना है। तो अभी कोई चीज की जरूरत पड़ गई, बाजार से दौड़ो, ये लाओ। विवाह में बहुत चीज की जरूरत पड़ती रहती है और पहले से धारणा नहीं रहती है कि इसकी भी जरूरत पड़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो दौड़ना स्वाभाविक होता है। जो सभी प्रेम से दौड़ रहे थे, बहुत उत्कंठा के साथ, लालसा के साथ, और राजा लोग आए थे बरात में, तो कौन कौन थे? सबसे पहले कह रहे हैं कुरुवंशी, हस्तिनापुर से भीष्म पितामह, महाराज धृतराष्ट्र, दुर्योधन, युधिष्ठिर महाराज आदि सब आए थे। ये कुरुवंशी लोग आए थे, तो कुरु शब्द कह करके वहां के सभी लोगों को सूचित कर दिया गया। पांडव और धृतराष्ट्र महाराज, उनका दल और भीष्म पितामह वगैरह सब आए थे। लोग तो बिल्कुल निकट के संबंधी थे, भगवान की बुआ का विवाह हुआ था वहाँ, पांडु महाराज खास फूफा थे, तो बहुत निकट का संबंध था। तो ये सब आए थे, तो अपने पूरे साज बाज के साथ और कृष्ण को प्रचुर धन देने के लिए भी आए थे। ये बहुत धनी है हस्तिनापुर वाले, उनके अधीन भगवान रहते थे। तो कुरु सिंजय से तत्पर्य द्रौपदी, महाराज द्रुपद का परिवार, द्रुपद बहुत प्रेम करते थे भगवान कृष्ण से और द्रौपदी के साथ संबंध था उधर, तो इसलिए ये सब आए। सृंजय वंशी, कैके देश में श्रुत कीर्ति भगवान की बुआ थी, या क्या थी उस कैके देश में, तो
वहां से भगवान के सब फूफा वगैरह सब लोग आए कहते हैं दिस विदर्भ से तो खास महाराज भीष्मक जी कितने सम्मान लेकर आए होंगे अपनी बेटी के विवाह में कितनी खुशी के साथ, इसको कौन बता सकता है। चारों भाई आए होंगे, अवश्य रुक्मी नहीं आए वो तो भोजकट नगर में चिंता में डूबा हुआ था वो तो घर बनवा रहा होगा नया नया, कितना टाइम लगा होगा उसको बनाने में राजभवन। तो विदर्भ देश से आए थे सब महाराज भीष्मक के साथ, और सब जदू से तो तात्पर्य है जदुवंश में, और जो 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 भी इधर उधर थे बसे हुए वे सब आए। और कुंतय महाराज कुंती भोज जहाँ पर बचपन में कुंती पली थी वे सब लोग आए राजा लोग। और मिथो मुंगदिरे एक दूसरे से मिल करके बहुत प्रसन्न हुए, एक तो भगवान के विवाह का महोत्सव और दूसरे बहुत काल के बाद भेंट हुई थी, एक दूसरे को आनंद में देख करके सब सराबोर हो गए आनंद में। अपने बंधुओं को देख करके जो आनंद होता है उस आनंद की तुलना कहीं नहीं है। तो ये परस्पर सब संबंधित है कृष्ण के आधार पर, कृष्ण मूल हैं और उनके कारण सब संबंधित है। तो द्वारका के उस विवाहोत्सव में सब बहुत आनंद में थे। श्रील सुखदेव गोस्वामी बार बार ये शब्द कहते हैं मुमुदिरे मुमोदा, बहुत आनंद में थे बहुत आनंद में थे। और चर्चा क्या होती थी जहाँ तहाँ राजाओं के समाज में या रानियों के समाज में राजकन्याओं के समाज में सब जगह चर्चा क्या होती थी, रुक्मिण्या हरणम श्रुत्वा गीयमानम ततस्तत राजानो राजकन्याश्च बभूवुर भृशविस्मितः। राजा और राजा की कन्याएं और राजाओं की स्त्रियां अथवा राजा के सचिव दास सब क्या चर्चा कर रहे थे, रुक्मिण्या हरणम ततस्ततः गीयमानम श्रुत्वा, सब जगह यही गाया जा रहा था। केवल द्वारका में नहीं पूरे भूमंडल में गाया जा रहा था, विशेष करके उस विवाह के अवसर पर कृष्ण लीला गाई जा रही थी। और तत्काल ही पद में बना लेने वाले कविता बनाने वाले बड़े बड़े कवि गंधर्व भी मनुष्य के रूप में आए होंगे और ये लोग रुक्मिणी मंगल की कथा गा रहे थे, खास करके रुक्मिणी हरण की कथा, कैसे रुक्मिणी का हरण किया भगवान ने, यही बात गाई जा रही थी। इसको सुन सुन करके राजा और राजाओं की कन्याएं बिल्कुल विस्मित हो जाती थी श्री कृष्ण के प्रति। विस्मित का अर्थ है कृष्ण के प्रति गौरव बढ़ जाता था, गौरव भाव बढ़ जाता था। श्री कृष्ण निश्चित ही भगवान हैं, प्रभु हैं, इतने बड़े बड़े राजाओं का मान मर्दन करके रुक्मिणी को लाए तो बहुत विस्मित होते थे। द्वारकायाम भूत राजन महामोदह पुरौकशान रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियः पतिम, पुनः संबोधन कर रहे हैं, हे राजन हे महाराज परीक्षित, द्वारकायाम महामोदह अभूत, द्वारका में महा आनंद छा गया, महामोदह महामोद हुआ पुरौकशान। आने वाले लोगों के आनंद का तो वर्णन किए ही, द्वारका वासियों के विषय में कह रहे महामोद छाया। कैसे खास करके कृष्ण को रुक्मिणी के साथ देख करके जो सुख हुआ उसके विषय में कहते हैं कि महामोद छा गया द्वारका के लोगों को। भगवान को अपनी प्रियतमा रुक्मिणी जी के साथ देख करके बहुत बड़ा आनंद छा गया। कृष्ण स्वयं ही श्रीपति हैं, सौंदर्य लक्ष्मी के पति हैं या लक्ष्मी पति हैं, और वे ऐसे बिना विवाह के थे तो भी सुंदर लगते हैं, लेकिन अब वे बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत आनंद छा गया घर घर में। सभी तो कृष्ण को यही मानते थे कि हमारा पुत्र है और रुक्मिणी हमारी पुत्र वधू है, इसलिए सब आनंद में भर गए। तो द्वारका नगर के लोगों के लिए महामोद हुआ। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे दशम स्कंधे रुक्मिणी उद्वाहोत्सवे चतुष्पंचाशत्तम अध्याय। तो इस प्रकार रुक्मिणी जी के विवाह में यह 54वां अध्याय पूरा हुआ। हरे कृष्ण।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री श्रीनाथ जी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदी, ऑल ग्लोरी टू द सनातन डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू द सनातन डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू द सनातन डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू श्री श्री गुरु एंड गौरांग जय श्री गुरु। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 56 श्री शुक उवाच। सत्राजितः स्वतनयाम् कृष्णाय कृतकिल्विषः शमन्तकेन मणिना स्वयं उद्यम्य दत्तवान्। राजोवाच सत्राजितः किमकरोत् ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्विषम्, श्यमन्तकः कुतस्तस्य, कस्माद्दत्ता सुता हरेः। श्रीशुक उवाच सत्राजितः स्वतनयाम् कृष्णाय कृतकिल्विषः, श्यमन्तकेन मणिना स्वयं उद्यम्य दत्तवान्। श्रीराजोवाच सत्राजितः किं करोत् ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्विषः, श्यमन्तकः कुतस्तस्य, कस्माद्दत्ता सुता हरेः। श्रीशुक उवाच सत्राजितः स्वतनयाम् कृष्णाय कृतकिल्विषः, श्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। श्रीराजवाच सत्राजितः किमकरोत् ब्राह्मण कृष्णस्य किल्विषम्, सत्राजितः किमकरोत् ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्विषम्,
कल का प्रश्न क्या था आपका पूरा करने में तो छूट गया। जन्म की कथा है तो भगवान श्री कृष्ण से रुक्मिणी जी के गर्भ द्वारा प्रद्युम्न जी उत्पन्न हुए तो संबरासुर एक बहुत बड़ा असुर था बलवान उसको पता चल गया कि यह मेरा शत्रु है तो वह बच्चे को सुतिका गृह से ही अलक्षित रूप से चुरा लिया योग माया से भेष बना करके छिपा करके और ले गया लेकिन बाद में उसे पता चला कि हमारा शत्रु है तो वह समुद्र में फेंक दिया उस बच्चे को तो एक मछली खा गया। मछली खा स्त्री रहती थी रसोई घर में काम करती थी शंबरासुर के यहाँ अस्त में रति थी कामदेव की पत्नी तो वह उस बच्चे को ली और जानती थी कि हमारे पति हैं जन्म जन्म के परंतु पहले वो मातृभाव से पोषण करने लगी प्रद्युम्न जी का बाद में जब वे किशोर अवस्था में हुए तो उनके प्रति स्त्री भाव व्यक्त करने लगी तो प्रद्युम्न जी ने पूछा कि तुम मेरी माँ हो धात्री हो और इस तरह से मेरे प्रति भाव कर रही हो ये ठीक नहीं है। तब रति ने कहा रति का नाम उसे मायावती था उस जन्म तो उसने कहा कि आप हमारे पति हैं भगवान शिव के तीसरे नेत्र से जल करके आप अंगहीन हो गए मैं आपके अंग की प्रतीक्षा करती थी इस समय आप भगवान से जन्मे हुए हैं और आप कृपया करके इसका वध कर दीजिए शंबरासुर का। तो फिर प्रद्युम्न जी ने शंबरासुर का वध कर दिया और इसके बाद वे घर लौटे अपनी पत्नी के साथ रति के साथ द्वारका। अकस्मात आए तो वहां तो बहुत उत्सव छा गया कि लड़का तो सुतिका गृह से ही गायब हो गया था कैसे आ गया सयाना होकर के वो भी विवाह करके आया है। तब भगवान भी वहां चुपचाप थे वे चकित होने की लीला कर रहे थे और श्री नारद जी आए तो सबने प्रश्न किया कि ये सर्वज्ञ हैं बताएं। तब नारद जी ने सारी कथा सुना दिया। प्रद्युम्न जी बहुत सुंदर थे ठीक भगवान श्री कृष्ण जैसे। अब भगवान के दूसरे विवाह की कथा कह रहे हैं। श्री शुक उवाच श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा सत्राजित स्वतनयां अपनी पुत्री को सत्यभामा को कृष्णाय कृष्ण के लिए कृत किल्बिषः जो कृष्ण का अपराध किया था श्यमंतकेन मणिना श्यमंतक मणि के साथ स्वयं अपने आप भगवान ने कुछ कहा नहीं उद्यम्य प्रयास करके दत्तवान दिया। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं
कि सत्राजित नामक एक व्यक्ति है जो अपनी पुत्री सत्यभामा को अर्पित किए भगवान कृष्ण के प्रति, कन्यादान दिए। कन्यादान के समय उन्होंने स्यमंतक नामक मणि भी दान दिया और वे कृष्ण को अपनी कन्या अर्पित किए। उसमें यह कारण था कृत किल्बिषः, किल्बिष का अर्थ अपराध। सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का अपराध किया था, उस अपराध के मार्जन के रूप में उन्होंने अपनी कन्या और स्यमंतक मणि को दिया था। तब इस पर महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं, सत्राजितः किम करोत् ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषम्, स्यमंतकः कुतस्तस्य कस्माद् दत्ता सुता हरे। महाराज परीक्षित पूछते हैं, हे ब्राह्मण, हे सर्वज्ञ सुखदेव गोस्वामी, सत्राजितः कृष्णस्य किम किल्बिषम् अकरोत्। सत्राजित ने कृष्ण के प्रति क्या अपराध किया था, कौन गलती किया था, भगवान के साथ कौन दुर्व्यवहार किया था, क्या अपराध किया था, और स्यमंतक मणि उसको कहां से मिला था। मणि पुलिंग है, स्यमंतक मणि उसे कहां से मिला था, और वह क्यों अपनी पुत्री को भगवान के प्रति अर्पित किया। बहुत एक स्पष्ट प्रश्न है, इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं। श्रीकृष्णधर स्वामी इस प्रसंग के उपक्रम में लिखते हैं कि पुत्रादि काम सौख्यस्य निष्ठा मुक्त्वाति चंचलाम अर्थस्य अनर्थतामः स्यमंत हरणादिना। 55वें अध्याय में यह दिखाया गया है कि ये जो काम सुख है, पुत्रादि से मिलने वाला काम सुख, इसकी निष्ठा चंचल है, ये सदा नहीं रहता है। मनुष्य कामना करता है धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो दिखाया गया 55वें अध्याय में काम के भीतर है जैसे इंद्रिय तृप्ति, तो उसमें पुत्र का लालन सुख है, पुत्र से मिलने वाला सुख, पत्नी से मिलने वाला सुख, और भी संसार से इंद्रियों के भोगों से जो मिलने वाला सुख है उसको काम कहते हैं। तो जीव को काम सुख की जो प्राप्ति होती है वह अति चंचल है, स्थिर नहीं रहता। एक तो वह सुख सुख नहीं रह पाता है, और जो जिस रूप में है उसकी सत्ता भी नहीं रह पाती, ये दिखाया गया। अब इस अध्याय में यह दिखाया जा रहा है कि अर्थ जो है वो सब प्रकार के अनर्थ का कारण है। स्यमंतक मणि के चलते क्या क्या अनर्थ हुआ है, ये कथा आ रही है। अर्थस्य अनर्थताम आह, अर्थ की अनर्थता का वर्णन कर रहे हैं। स्यमंत हरणादिना, स्यमंतक मणि के हरण आदि द्वारा ये सब बात कही जा रही है। और वैसे सत्यभामा जामवत्यो विवाह प्रस्तावाय स्यमंत का ख्यानम आह सत्राजित इति, भगवान के विवाह की कथा हो रही है, तो अब जाम्बवती और सत्यभामा के विवाह की प्रस्तावना के रूप में स्यमंतक मणि का आख्यान कहा जा रहा है। श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जाम्बवती और सत्यभामा से संबंध है, सत्यभामा जाम्बवती और सत्यभामा का जो विवाह हुआ उसमें बहुत अच्छी तरह से स्यमंतक मणि रिलेटेड है, इसलिए पहले स्यमंतक मणि की कथा कह रहे हैं। ये भूमिका के रूप में जमवती और सत्यभामा के साथ जो विवाह हुआ उसकी प्रस्तावना के रूप में स्यमंतक मणि की कथा कह रहे हैं। महाराज परीक्षित पूछते भी हैं कि उसको सत्राजित को मणि कहां से मिला, और उसने अपनी पुत्री को भगवान के लिए क्यों अर्पित किया, उसने क्या कृष्ण का अपराध किया था। तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमंतकम्। इस सत्राजित शब्द दो तरह से
बोला जाएगा, एक तो सत्राजित और एक सत्राजिता। तो सत्राजित कहा जाएगा तो अकारांत शब्द होगा, सत्राजित कहा जाएगा तो तकारांत होगा। तो यहां देखेंगे पहले प्रयोग हुआ अकारांत शब्द का, सत्राजित आ रहा, सत्राजित तो आ रहा है, तो वह षष्ठी विभक्ति एक वचन में सत्राजित हो जाएगा। सत्राजित का अर्थ सत्राजित का, तब ये बता रहे हैं आसित सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परम सखा। आसित का तथा थे सूर्य, ये कर्ता है, सावधानी से पढ़ने की जरूरत है। सूर्य भगवान सत्राजित के, जो उनका भक्त था, उसके परम सखा थे। सत्राजित भगवान सूर्य का पुजारी था, दास था, परंतु भगवान सूर्य उसे अपने सखा जैसे मानते थे। सूर्य परम सखा आसित कस्य भक्तस्य सत्राजित, अपने भक्त सत्राजित के भगवान सूर्य परम सखा थे। अरे बहुत सख्य था सत्राजित के साथ भगवान सूर्य का। लेकिन यह भी बात यहां दिखाई जा रही है कि सूर्य का इतना बड़ा भक्त भगवान कृष्ण का भक्त नहीं था, यह बहुत भारी जीवन की विफलता थी। भगवान उसी द्वारका में थे और द्वारका में ही रहता था सत्राजित, तो सूर्य के साथ बहुत दोस्ती थी, बहुत भक्ति करता था, इसलिए भगवान सूर्य उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के उसे उसके साथ अपने मित्र जैसा व्यवहार कर रहे थे। आसित सत्राजित सूर्य भक्त से परम सखा था प्रीत, भगवान सूर्य उसके प्रति बहुत प्रसन्न थे। यहाँ प्रसन्न का अर्थ है स्नेहवान, स्नेह से युक्त थे, क्योंकि आगे तुष्ट शब्द भी दिया जा रहा है। भगवान सूर्य बहुत स्नेह करते थे सत्राजित के प्रति, इसलिए तस्मय मणि प्रादत्त, उसको मणि दिए थे भगवान सूर्य। तुष्ट स्यमंत का एक ही श्लोक में सूर्य दो बार न कह करके सूर्य के बदले स च इति पाठ सुगम, वे भगवान सूर्य संतुष्ट होकर के सत्राजित को स्यमंतक मणि दिए। तो महाराज परीक्षित को उस प्रश्न का उत्तर हो गया कि सत्राजित को मणि कहाँ से मिला था, वह संक्षेप में उत्तर हो गया। इसलिए सूर्य का भक्त था और भगवान सूर्य प्रसन्न होकर उसे अपना मित्र समझ करके बहुत मूल्यवान मणि दे दिए थे। यह स्यमंतक मणि या इस प्रकार के अन्य जो मणि है वो इस लोक में नहीं पाए जाते हैं, देवताओं के लोक में होते हैं, तो स्यमंतक मणि को दिया उन्होंने। सत्तम विभ्रन मणि कंठे भ्राजमानो जथा रवि प्रविष्टो द्वारकाम राजन तेजसा नोपलक्षित। द्वारका से कुछ बाहर एक सूर्य मंदिर था, उसमें बहुत सेवा पूजा किया करता था सत्राजित। तो भगवान सूर्य वहां उस पर प्रसन्न हुए और उन्होंने स्यमंतक मणि दिया। तो स्यमंतक मणि को कंठ में पहन कर, कुछ सोने के जंजीर में बंधा होगा चाहे जैसे जैसे होगा, तो उसको पहन करके और सत्राजित द्वारका प्रवेश करने लगा, आने लगा बाहर से, कंठ में धारण किया था। कैसा चमक रहा था, भ्राज मानो जथा रवि, जैसे भगवान सूर्य सारे जगत को आलोकित करते हैं, चमकते हैं, वैसे उस मणि के कारण सत्राजित खूब चमक रहा था। इतना चमक रहा था कि द्वारका के लोगों को भ्रम हो गया कि भगवान सूर्य आ रहे हैं कृष्ण का दर्शन करने के लिए, क्योंकि और देवता सब आते ही रहते थे। जब शिव जी ब्रह्मा जी आते थे तो सूर्य आवे कौन आश्चर्य की बात है। तो सूर्य नहीं थे, था सत्राजित, परंतु अन्य सबको ये भ्रम हो गया। सतम विभ्रत मणिम कंठ है, उस मणि को कंठ में विभ्रत धारण करके भ्राजमानो जथा रवि,
बहुत चमक रहा था। पृष्ठो द्वारकाम राजन तेजसा नोपलक्षित वो बिल्कुल द्वारका के निकट आ गया। प्रविष्टो द्वारका में, द्वारका में लगभग प्रवेश कर रहा था, परंतु मणि से इतना प्रकाशित था, इतना प्रकाशित कि लोगों की आंखें चौधिया रही थी, उसको भी नहीं पहचान रहे थे कोई, यही समझते थे कि भगवान सूर्य आ गए। भगवान सूर्य वास्तव में एक व्यक्ति हैं, अंग वाले, उन सूर्य मंडल के भीतर वे रहते हैं, प्रकाशित होते हैं, तो हम लोग तो देखते हैं कि कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में भगवान का प्रकाश विवस्वान में आता है और विवस्वान प्रकाशित होते हैं, उनके प्रकाश से सारा लोक जगमग लगता है। वे वहां के राजा हैं, परंतु यहां से हम लोग नहीं देख सकते कि सूर्य का कोई आकार है, विवस्वान का कोई आकार है। इतना डेसलिंग, इतना चमक है। उपनिषद में, ईशोपनिषद में भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप अपनी ब्रह्म ज्योति को थोड़ा हटाइए, आप अपना सुंदर मुख देखने दीजिए हमको, ये प्रार्थना है। और कभी कभी तो बहुत अध्यात्म में अग्रसर पुरुष भी भगवान की ज्योति से इतना मोहित हो जाते हैं कि वे उधर अंग देखने की कामना ही नहीं करते हैं, उसी में संतुष्ट हो जाते हैं, ब्रह्म ज्योति में। तो सूर्य के समान चमक रहा था, इसीलिए उसको कोई पहचाना नहीं, सब लोग यही समझे कि सूर्य है। तेजसा न उपलक्षित, ये असौ सत्रह जीता इति न विज्ञात, कोई नहीं समझा कि सत्राजित आ रहा है, और सब समझ गए कि बस बस भगवान सूर्य आ रहे हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए, कृष्ण का दर्शन करने के लिए। तो इसलिए उन लोगों को ये भावना हुई, क्योंकि प्रतिदिन द्वारका में इंद्र, ब्रह्मा, शंकर जी, इन सबका तांता लगा ही रहता, इसलिए उन लोगों ने सोचा कि सूर्य भगवान आज आ रहे हैं, उनके मन में आया होगा कि चले भगवान का दर्शन करने। तो वे लोग पहुंचे भगवान कृष्ण के पास, कुछ लोग आए सीधे, भगवान उस समय पासे खेल रहे थे, चौसर खेल रहे थे अपने मित्रों के साथ, उद्धव आदि के साथ। तो वहां आकर वे भगवान को प्रणाम किए, प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, तम विलोक्य जना दूरा तेजसा मुष्ट दृष्टयः दिव्यते क्षैर भगवते ससंसु सूर्य संकेतः। दिव्यते, भगवान क्रीड़ा कर रहे थे, क्रीड़ते भगवते, जो भगवान क्रीड़ा कर रहे थे, कैसे अक्षय पासे खेल रहे थे, उस समय वे लोग उस स्यमंतक मणि के तेज से हत दृष्टि हो करके आंखें चौंधिया रही थी, वे लोग आए और भगवान श्री कृष्ण से इस तरह कहने लगे, सब सूर्य संकेता, सबके मन में यही बात थी कि सूर्य भगवान आए हैं। यह संकेता का अर्थ भावना, सबकी भावना थी कि सूर्य आए हैं। तो इस बात से वे लोग बहुत प्रसन्न हुए, भगवान श्री कृष्ण के प्रति और भक्ति बढ़ गई द्वारका के लोगों की, कि सूर्य जिसके दर्शन के लिए आ रहा है, सचमुच कृष्ण ईश्वर है, भगवान है, इसलिए बहुत से विशेषण लगे बोलने। नारायण नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर दामोदर अरविंदाक्ष गोविंद जदुनंदन। भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति बहुत बढ़ गई आज। वैसे दूसरे देवता आते थे तो कभी कभी पता भी नहीं लगता था सबको, तो ब्रह्मा जी आए अपने काम में, भगवान से बात किए, भगवान ने कुछ आदेश दिया कि ठीक से सृष्टि करो, ये करो, करो, चले जाओ। शिव जी भी आते थे, स्तुति करके भगवान से बातचीत करके चले जाते थे, लेकिन सूर्य आए तो पूरा द्वारका जान गया सूर्य तो नहीं है परंतु द्वारका में सब जगह उल्लास छा गया, कहा सूर्य प्रमाण है, ये जिसकी भक्ति करते हैं तो वह वास्तव में ईश्वर है, वास्तव में भगवान है, सूर्य दर्शन करने आ रहे हैं। तो लोग भगवान को बहुत से विशेषण दे रहे हैं, नारायण
नमस्तेस्तु, हे नारायण आपको हम प्रणाम करते हैं। ओहो हमारा कितना भाग्य है कि भगवान हमारे गांव में रहते हैं, नगर में रहते हैं, सूर्य भी आज दर्शन करने आ रहे हैं। हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले, हे दामोदर, हे अरविंद नयन, हे कमल नयन, हे गोविंद, हे जदुनंदन, ये सब कहने लगे। भक्ति के कारण ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है, सब गदगद हो रहे थे। तो वे लोग कहते हैं भगवान उनके तरफ ध्यान दिए, क्या बात है, बड़ी उत्सुकता से बड़े आनंद में आए हैं और प्रणाम कर रहे हैं लोग। तो कहते ऐसा आयाति सविता त्वाम दिक्षुर जगत पते, हे जगत पते, हे जगन्नाथ, ऐसा सविता त्वाम दिदृक्षु आयाति, आपको देखने की लालसा से सविता आ रहे और ऐसा कह करके दिखा रहे, वहां तक अंजोर पहुंच रहा है, प्रकाश सब जगह फैल रहा है। उस समन्तक मणि का सूरज के समान वो प्रकाशित मणि था। अद्भुत अद्भुत सृष्टि है विश्व में भगवान के, ऐसे मणि की हम लोग कल्पना नहीं करेंगे। अरे कोई ज्यादा से ज्यादा सोचेगा तो सोचेगा कि कोई पेट्रोमैक्स टैंक करके आ रहा हो तो कुछ प्रकाश होगा, लेकिन सूरज जैसा प्रकाश हो जाए ये अद्भुत बात थी। तो इसलिए भगवान को दिखा करके कह रहे कि ऐसा आयाति सविता, सविता आयाति, सविता आ रहे हैं, सूर्य आ रहे हैं, ऐसा देखिए सामने आ रहे हैं। या तो भगवान छत पर बैठे होंगे या किसी चबूतरे पर, और गली में आ रहा होगा, भीड़ मची होगी, सब देख रहे होंगे, तो इसलिए वो कहते हैं कि ऐसा ये सविता आ रहे हैं। त्वाम दिदिक्षु, न तो वो सूर्य जा रहे हैं न भगवान के दर्शन की लालसा है सत्यजीत को, दोनों बात गलत बोल रहे हैं। सूर्य जा रहे हैं, त्वाम दिदिक्षु, अपने आप भक्तों की भावना थी, समझे कि प्रभु हैं, ईश्वर हैं, परमात्मा पर ब्रह्म हैं, तो सूर्य आएंगे स्वाभाविक, तो आपको देखने के लिए आ रहे हैं। मुसलन गभस्त चक्रण मृणाम चक्षुंसि तिग्मगु, तो मानो भगवान ने पूछा कि ये कैसे जानते हैं सूर्य जा रहा है। तो कहते हैं मुसलन गभस्त चक्रण, गभस्ती चक्र, गभस्ती का अर्थ है किरण, अपने किरण जाल से, अपने किरण समूह से हम सबके आंखों को छीन रहे हैं, मतलब हम देखने की शक्ति नहीं है, क्योंकि सूर्य तिग्मगु, तिग्मा रसमय ओजस्य, सूर्य की किरणें तिखी होती हैं, इतना प्रकाश किसी में हो नहीं सकता है। तो ये सूर्य आ रहे हैं, हम लोग प्रमाण हैं कि सूर्य आ रहे हैं ये कहते हैं, क्योंकि हमारी आंखें चौधरी आ रही हैं, इतना तेजस्वी दूसरा कोई है ही नहीं। तो मन भगवान कहें कि अरे सूर्य क्यों आएंगे, आज तक पृथ्वी पर उतरे हैं, कितने लोग आए गए, लेकिन सूर्य तो आकाश में रहते हैं, वो किसी के दर्शन क्यों करेंगे, ऐसा क्यों बोल रहे हो कि सूर्य आ रहे हैं। सब लोग कहते हैं ननु अन्विच्छन्ति ते मार्गम त्रिलोक्यां विबुधर सभा, तीनों लोकों में जो विबुधर सब हैं, जैसे भगवान शिव, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, कुबेर आदि जो देवताओं में श्रेष्ठ हैं तीनों लोक में, वे लोग तो ननु अनुइच्छन्ति, वो तो आपकी खोज करते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। तो जब ये लोग आते हैं तो सूर्य भगवान भी आ रहे हैं। भगवान ने कहा कि सूर्य कैसे आएंगे, तो ये लोग कहते हैं वो तो आते ही रहते हैं सब, हमको पता है कि आपका दर्शन करने के लिए सब लोग आते रहते हैं। तो ज्ञात्वाद्य गूढ़ जदसु द्रष्टुम त्वम जात्यज प्रभो, तो इस समय आप जदुवंशियों में एक जादव के रूप में छिप करके हैं, इसको जान करके अजह याति, अजह का अर्थ सूर्य, सूर्य को भी अज कहा गया, तो सूर्य आज आ रहे, तो सब लोग आते ही रहते हैं देवता, इसलिए कोई ये अघट घटना नहीं है, स्वाभाविक है, सब देवता आते ही रहते हैं, देव श्रेष्ठ आते ही रहते हैं, इसलिए आज भगवान सूर्य आ रहे हैं।
तब श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि निशम्य बाल वचनम प्रहस्याम भुजलोचन प्राहना सौर विदेव सत्रा जिन मणिना ज्वलन। बाल वचनम बालानम अज्ञानम वचनम, यहाँ बाल वचनम का अर्थ जो लोग नहीं जानते थे कि यह सत्राजीत है, उनको सुखदेव गोस्वामी बाल वचनम कहेंगे, अज्ञ थे बेचारे। अब भगवान ने सोचा कि ये नहीं जानते हैं इसलिए कहते हैं, तो उनकी बात को सुनकर कमल नयन भगवान हंसने लगे, हंसने लगे और कहे कि प्राह नासव रविर देव, असव रविर देव न, ये सूर्य देवता नहीं है, ये रवि देवता नहीं है, तब कौन है? तो सत्राजीत सत्राजीत है भगवान ने कहा। तो वो लोग पूछे कि तू इतना कैसे चमक रहा है? तो मणिना ज्वलन, भगवान कहते हो कि मणि लगाया है उसी के कारण चमक रहा है, मतलब मणि चमक रहा है, वो नहीं चमक रहा है पर मणि इतना जगमग है कि जिस शरीर के पास है शरीर को भी चमका रहा है मणि, तो मणि के कारण वो इस तरह से प्रज्वलित हो रहा है, चमक रहा है, ये सूरज नहीं आ रहे हैं। अब उन लोगों की जो भी जिज्ञासा शांत हुई होगी तो वो आया, तो उसको चाहिए था सत्राजीत को कि सबसे पहले आकर के भगवान को प्रणाम करे और यह खबर दे कि मुझे मणि मिला हुआ है। सबसे ये धर्म तो यह था कि मणि भगवान को अर्पित कर दे, ये चाहिए। किसी को कोई धन मिलता है, कमाई करता है, तो सब कुछ कृष्ण का है, इसलिए कृष्ण को अर्पित करके भोगना चाहिए, अग्रभोगी नहीं बनना चाहिए। नहीं, यदि कोई व्यक्ति भगवान को दिए बिना कोई भी कपड़ा अलंकार घर भोजन जो कुछ भी ग्रहण करे तो वह व्यक्ति पाप में फंस जाता है। वो ग्रहण कर सकता है, उस वस्तु का उपयोग कर सकता है, लेकिन उसे भगवान का प्रसाद बनाकर ग्रहण करना चाहिए। सत्राजीत की यह बहुत बड़ी मूर्खता थी, तो इतनी सफलता उसे मिली, भगवान सूर्य ने मणि दिया तो लगा कर द्वारका में दिखा रहा है, उसे आना चाहिए था भगवान के पास लेकिन आया नहीं। वो बहुत अर्थ कामुक था, तो भगवान ने कहा कि ये सत्राजीत नहीं है, तब सबका अरे वो सूर्य नहीं है सत्राजीत है, इसलिए सबका कौतूहल समाप्त। सत्राजीत है, मणि प्राप्त किया है। तो गया घर पर, ब्राह्मणों को निमंत्रित किया, क्योंकि भगवान सूर्य ने कहा था कि यह मणि जहां रखा जाएगा और इसकी पूजा होगी तो उस स्थान पर कोई भी दुख नहीं रहेगा, ये उन्होंने कहा था। तो यह आया सत्राजित स्वगृहम श्रीमत कृत सत्राजित स्वगृहम श्रीमत कृत कौतुक मंगलम प्रविश्य देव सदने मणिम विप्रे निवेशयत। तो सत्राजित अपने घर आया, देखिए श्रील सुखदेव गोस्वामी इसकी गलती अभी से बता रहे हैं। स्वगृहम अपने घर में आया, इतना बड़ा धन प्राप्त किया है और आ रहा है, भगवान का दर्शन भी करने नहीं गया, जबकि भगवान के पास एक खबर चली गई कि सूर्य जा रहे हैं भगवान कह रहे नहीं वो सत्राजीत। तो अपने घर में आया और घर की खूब सजावट किया, उत्सव के कारण मंगल सब किए गए, मणि की पूजा की गई, ये मणि का विशेषण है कृत कौतुक मंगलम। ब्राह्मण लोग आए, दही अक्षत फूल आदि से मणि की पूजा किए, और पूजा करके ब्राह्मणों के द्वारा देव सदने निवेश, देव सदन में सूर्य भगवान का मंदिर होगा उसके घर में, तो फिर वहां पीठ पर ऊपर पीढ़े पर या चबूतरे पर निवेश जैसे रखते हैं शालिग्राम जी को खूब बढ़िया से बिछा करके आसन सजा करके, तो मणि को रखा गया। ब्राह्मण भी देखिए वो भी नहीं कहे कि भगवान से पूछना चाहिए क्या करना है, तो ये लोग करा दिए।
श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उस मणि की क्या विशेषता थी। दिने दिने स्वर्ण भारान अष्टौ सृजति प्रभो दुर्भिक्ष मार रिष्टा ने सर्पाधि व्याधयो शुभा न संति माई नष्टत्र जत्रास्ते अभ्यर्चित मणि। एक तो विशेषता है कि वह प्रतिदिन मणि आठ भार सोना उत्पन्न करता था, अष्टौ भारण स्वर्ण भारण, भार कोई मात्रा होती है। इसमें कई विवाद है, कुछ लोग कहते हैं कि 73 शेर उत्पन्न करता था सोना, 20 तोला का एक भार माना जाता है। एक तोला कितने का होता है हमको पता नहीं, 13 ग्राम। अच्छा, तो बहुत कम हुआ। 20 तोला का एक भार होता है और 8 भार ये सोना उगलता था रोज मणि। ऐसे जहाँ रहता था उसके चारों तरफ सोना उसमें अपने आप हो जाता था और मणि अविकृत रहता था, उसके वजन में कमी नहीं होती थी, साइज में कमी नहीं और चमक में भी कमी नहीं, और फिर भी प्रतिदिन सोना उत्पन्न होता था। श्रील प्रभुपाद जी 80 किलो लिखे मतलब 73 किलो यहाँ लिखा गया है टीका में, किलो नहीं 73 छटाक कितने को कहते हैं, पांच तोला का एक छटाक, छेटक लिखा गया है उसी को छटाक कहते होंगे संस्कृत में लिखा गया। जो भी हो कुछ सोना पैदा हो जाता था, कोई लिखते हैं कि 73 शेर, कोई 85 शेर, कोई 80 शेर, पता नहीं क्या है इसका रहस्य। और इस मणि की विशेषता देखो, अपने आप में तो अपार कीमती था ही, 24 घंटे में इतना सोना उत्पन्न कर देता था। जैसे भगवान से सृष्टि होती है और भगवान ज्यों के त्यों रहते हैं, वैसे मणि भी ज्यों के त्यों रहता था और सोना उत्पन्न हो जाता। और जहां पर अभ्यर्चित, जहां पर उस मणि की पूजा होती थी और जहां वो मणि रहता था, तो वहां पर दुर्भिक्ष मारी अरिष्ट सर्प आदि व्याधि दुख ये सब नहीं होते थे। दुर्भिक्ष का अर्थ है कि वहां अकाल नहीं पड़ता था, ठीक से वर्षा होती थी, ठीक से सब कुछ होता था जहां मणि की पूजा होती थी। और मारी का अर्थ है जन्मारक ग्रह को कहते हैं मारी या महामारी, कोई बीमारी वहां नहीं होती थी, कोई ग्रह नहीं लगता था और कोई भी अरिष्ट नहीं होते थे, अशुभ दुख देने वाली। अरिष्ट का अर्थ अभद्र, कोई भी अभद्र अशोभनीय दृश्य वहां नहीं हो पाता था मणि की जहां पूजा होती थी, इस मणि की विशेषता थी। और उस स्थान पर सर्प हिंसक वृत्ति छोड़ देते थे, सर्प का भय नहीं रहता था, मन में कोई चिंता नहीं रहती थी, शरीर में कोई रोग नहीं होता था और कोई भी अशुभ अर्थात दुख के कारण नहीं रह जाते थे, और न तो वहां पर मायावियों का कोई प्रभाव पड़ता था। लेकिन देखिए यहां पर सिद्धांत से श्रीधर स्वामी जी लिख रहे हैं कि अनेन भगवती असमर्प्य स्वयं अग्र भोजन सर्वानिष्ट निवर्तकम अपि अनिष्ट हेतु रेव भवति इति सूचितम्। मणि में सब गुण था इसमें संदेह नहीं है, जितने गुण आपने सुना ये सब गुण मणि में था, लेकिन ऐसे मणि के कारण ही सबसे भारी भारी अनर्थ हो गया है जिसे आगे आप सुनेंगे। इसका कारण क्या था, श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी वस्तु को भगवान को समर्पित नहीं करता है और स्वयं उसको भोगना चाहता है तो उसमें केवल अनर्थ उत्पन्न होते हैं। यहाँ तक कि अनर्थ निवर्तक जो वस्तु है, अनर्थ का नाश करने वाली जो वस्तु है, वही अनर्थ करने लगती है।
ये समांतक मणि सब प्रकार के अनर्थ का निवर्तक था, परंतु भगवान को अर्पित नहीं किया गया, भगवान को नहीं दिया गया। और यहां तक कि भगवान ने उसको मांगा भी, फिर भी सत्राजित नहीं दिया था। और मांगा अपने लिए नहीं, इसकी रक्षा के लिए भगवान ने मांगा था। तो उसको श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सयाचितो मणिन क्वापि जदुराजा ये सौरिणा। सौरिणा सूर पुत्र श्री कृष्ण के द्वारा वह याचित हुआ एक बार। सत्राजित से भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा कि यह मणि आप उग्रसेन जी को दे दीजिए। तो भगवान उसका हित करने के लिए कहे, इतना कीमती मणि रखेगा कोई किसी दिन जान मार करके ले लेगा, मणि भी जाएगा प्राण भी जाएगा। तो भगवान ने सोचा कि ये राजकोष में रहेगा, उग्रसेन जी के पास सेना के हवाले रहेगा, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, धन का लोभ होता ही है। तो धन के लोभ से कभी न कभी अनिष्ट हो जाएगा, सत्राजित का प्राण चला जाएगा, चोरी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, कि इतना सोना रोज हो रहा है और ऐसे ऐसे। तो इसलिए भगवान ने कहा सत्राजित से कि आप महाराज उग्रसेन के कोष में इसको दे दीजिए, जदु राजा को दे दीजिए। लेकिन नैवार्थ काम कह प्रादत, लेकिन अर्थ काम कह, वह पैसा का लोभी सत्राजित न एव प्रादत, नहीं ही दिया। एवं शब्द बताया जा रहा है कि भगवान ने बार बार उसको कहा, समझाया कि दे दीजिए, फिर भी नहीं दिया। क्यों? अर्थ काम कह, बहुत लोभी था उसने नहीं दिया। और यांचा भंगम अतर्कयन, उसने यह भी नहीं विचार किया कि मैं भगवान की याचना को तोड़ रहा हूं, पूरा नहीं करता हूं, उसने विचार भी नहीं किया। नहीं दिया कोई बात नहीं, बाद में यदि सोचा भी होता तो श्री कृष्ण ने कहा मैं नहीं दिया, इतना अफसोस भी हुआ होता तो उसका पाप खत्म हो गया होता, ठीक नहीं किया, नहीं दिया। लेकिन अतर्क, इस पर विचार तक नहीं किया कि कौन मांग रहा है, क्यों मांग रहा है और इसी के हित के लिए मांग रहा है। तो देखिए, जो वस्तु भगवान को अर्पित नहीं की जाती है, वो चाहे कितनी भी अच्छी से अच्छी वस्तु हो, वो उस भोक्ता का अनिष्ट करती है। अब यहां से अब कथा प्रारंभ हो रही है, किस तरह इस मणि ने अनर्थ किया। अभी कहा गया कि अरिष्ट मारी और आधि व्याधि सर्प आदि का भय नहीं होता था, अशुभ नहीं होते थे, और अब अशुभ चालू हो गया। तो भगवान को अर्पित करना चाहिए कोई भी चीज, देह, घर, पुत्र, स्त्री, अलंकार, जो कुछ भी है सब भगवान को अर्पित करके तब धारण करना चाहिए, नहीं तो वो वस्तु अनर्थ करती है। एक बार की बात है, वो मणि तो रखा रहता था, पूजा होती थी, तो सत्राजित का एक भाई था, उसका नाम था प्रसेन। प्रसेन उस मणि को उठाया और कंठ में पहन करके चल दिया वन में शिकार खेल। और यही मति ऐसी ही होगी, उस मणि को भगवान ने कहा था कि दे दो उग्रसेन जी को, उनको नहीं दिया गया, भगवान की बात नहीं माने, बल्कि दोष दृष्टि किए होंगे कि वो ये लोभी है, उग्रसेन का बहाना कर रहा है, लेना चाहता है, ऐसा भी कहा होगा उन लोगों ने, हो सकता है। अब देखिए, उसी मणि को उसका छोटा भाई गले में लगा करके वन में चला गया। उन लोगों को बहुत अच्छा लगता था, वो सूर्य जैसा चमकने लगते थे देखने में, तो पहन पहन कर दिखाते होंगे, चाहिए था पूजा करना उसको, उसको धारण नहीं करना चाहिए, लेकिन धारण कर लिए। तमेकदा मणिकंठे प्रतिमुच्य महाप्रभम, प्रतिमुच्य का अर्थ बांध करके गले में खूब अच्छा से बांध कर लटका करके प्रसेन चला वन में। वो मणि महाप्रभम, उसमें महाप्रभा, महान प्रकाश था, जगमग कर रहा था मणि, तो उसको पहन करके एक बार वन में चला गया। मृगयान व्यचरत, और वो भी हंटिंग कर रहा था,
शिकार खेल रहा था, पहनकर घूम रहा था। इतने मूल्यवान धन को एक तो घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था, निकाला भी तो केवल गली में घूम घाम करके फिर लौट जाना चाहिए था, तो वन में चला गया। वन में तो कोई भी ले सकता है। तो मणि इतना चमकता था कि वन के हिंसक जंतु आदि भी चकित हो जाते थे, ये क्या है वो क्या है, तो वे भी टूट पड़ते थे कि कौन आ रहा है, कौन है, कैसे है। मणि की चमक के काम तो विचरण कर रहा था। तो प्रसेनम सहयम हत्वा मणिमा छिद्य केसरी, एक केसरी एक सिंह है, अछिद्य मणि से आकृष्ट हो करके, मणि के प्रकाश से आकृष्ट होकर के उधर आया क्रोध से, क्योंकि वो जंगल का राजा होता है, उसको सहन नहीं हुआ कि कौन निर्भय घूम रहा है। तो आया, आ करके वो सहयम घोड़ा के, घोड़ा को भी मार दिया, जिस घोड़े पर सवार था प्रसेन उसको भी मारा, और प्रसेन को भी मार करके वो मणि को लेकर चला गया। वो देख रहा था मणि हाथ में क्या चमक रहा है, उसके भावना नहीं थी कि मैं इसको पहनूंगा, लेकिन वो सिंह है उसके प्रकाश से आकृष्ट होकर के आया, उस स्वभाव होता है, उसने घोड़े को भी मार दिया, उसको भी मार दिया, पंजा सब लगे थे जहां तहां, बाद में पता चलेगा कि इसको सिंह ने मारा, तो मार दिया और मणि को ले गया। वो मणि को लेकर जा रहा था, एक गुफा में प्रवेश करना चाहता था सिंह, तब तक जांबवान जी ऋक्षराज उस मणि को देखे, तवे आकर के उस सिंह को मार करके मणि छीन कर ले गए। अभी वो प्रवेश करना चाहता था तभी ले गए, और ले जाकर सोपी चक्र कुमार से मणि क्रीड़न कम मिले, वो ले जाकर के एक कुमार नामक बच्चे को दे दिए खेलने के लिए। कुमार का अर्थ तो होता है बच्चा, लेकिन उसका नाम भी कुमार था, कुमार को दे दिए खेलने के लिए। उनको क्या पता है कि ये कितना मूल्यवान मणि है, ये है वो है, मणि की इस तरह दुर्दशा हो रही है, कहाँ भगवान की सेवा में जाए, भगवान की इच्छा के अनुसार उसको रखना चाहिए था, और कहाँ है वो। जान लिया प्रसन्न का मणि, कृष्ण को अर्पित नहीं किया गया था मणि, तो प्रसन्न गया, घोड़ा मारा गया और सिंह मारा गया, जमवान जी ले जाकर के एक बच्चे को दे दिए खेलने, वो खेलने की वस्तु नहीं थी, लेकिन वो खेलने लगा बस। अब तो अपश्यन भ्रातरम भ्राता सत्रा जित पर तप्यत, अपने भाई को न देखकर सत्राजित पर तप्यत, सत्राजित शोक में रहने लगा, भाई वन में गया था नहीं लौटा, तो नहीं लौटा तो उसका कारण था कि सिंह ने मार दिया है उसको घोड़े के साथ ही, लेकिन जो भी हो वो पहले तो बहुत परिताप किया, दुख अनुभव किया सत्राजित, लेकिन उसके मन में यह बात आई कि प्रायः कृष्ण में निहतो मणि ग्रीव बनम गत भ्राता ममे पिता श्रुतवा कर्णे कर्णे जपन जना। भगवान ने जो इसको टोका था कि ये मणि दे दो गुरुसेन जी को, तो इसी घटना से मिलान करके और वो अपने निकटतम संबंधियों से कहने लगा कि प्रायः 99% मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई को कृष्ण ने मारा है। देखिए इसकी गलती, प्रायः का यह अर्थ है, और केवल इस पर कि भगवान क्यों कह दिए कि गुरुसेन जी को दे दो, इस पर मिला रहा था। कितना आदमी का अनुमान गलत होता है, ये सब बातें मन में विचार करनी चाहिए और समय पर काम आती है। कोई बात कहीं से किसी से आदमी सुन लिया है तो बहुत विचार करना चाहिए। चाणक्य पंडित जी लिखते हैं किसी विचार को 3 बार मन में देख करके तब बाड़ी पर रखना चाहिए,
कि बोलने से पहले 3 बार सोचना चाहिए कि ये वाणी पर रखने लायक है कि नहीं, क्योंकि जिह्वा जो है वो राइफल की तरह है और वाणी गोली की तरह है। ओ अभी शूट करने के पहले सोचना चाहिए कि किसको शूट करेंगे, या सोचने के 3 बार। यह तो दब करके कह रहा था, लेकिन कहता प्रायः कृष्ण निहतो निश्चित है, अब हमने आंख से नहीं देखा है, इतना ही भर कमी है, बाकी हमारे भाई कृष्ण ने मारा है। एकदम हम सही बोल रहे, कहां मारा, बनम गत, मेरा भाई वन में गया था, तो वन में गया था तो कृष्ण क्यों मारेंगे तुम्हारे भाई को, तो मणि ग्रीवा, तो गले में मणि धारण किया था, तो क्या कृष्ण मणि के लिए तुम्हारे भाई की हत्या किए हैं? हाँ, प्रमाण है, उसको लोभ हो गया था मणि का, उग्रसेन जी का बहाना करके हमसे मणि मांगा था, हमने नहीं दिया, इसी क्रोध में हमारे भाई को मार दिया। भगवान इस विषय में कुछ जानते ही नहीं है, कोई घटना नहीं हुई है, और करड़े करड़े जपन जना। और जब यह बात कहा सत्रह जी, तो द्वारका में कानों कान